दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। अपने देश में एक बहुत लोकप्रिय नारा है, जय जवान जय किसान। लेकिन आश्चर्य है कि जो लोग नारे ये लगाते हैं, हम सब लगाते हैं, लेकिन जो सत्ता में हैं वे बहुत जोर से लगाते रहे हैं और अब भी जब मौका मिलता है तो इस नारे को बुलंद करते हैं। लेकिन जब किसान अपनी किसी जेन्युइन समस्या को लेकर उनके दरवाजे आता है तो वो दरवाजे ही नहीं पहुंचने देते। वो कहते हैं कि तुम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से बाहर चले जाओ। पहले किसानों को पंजाब में रोका गया, पंजाब और हरियाणा के बीच बॉर्डर पर। पंजाब से जब वो आगे बढ़े तो हरियाणा सरकार और हरियाणा की जो पूरी की पूरी सिक्योरिटी है उसने उनको रोकना चाहा। फिर वो हरियाणा में प्रवेश कर गए। अब जब दिल्ली बॉर्डर पर आए तो उनको वहां रोकने की कोशिश की गई और क्या नहीं किया गया, सड़क खोदने से लेकर और आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, न जाने क्या क्या किया गया। अब उनको कहा जा रहा है कि आप बुराड़ी के मैदान में, निरंकारी मैदान में बैठ सकते हो, लेकिन दिल्ली की तरफ आप अंदर नहीं आ सकते, रामलीला ग्राउंड नहीं पहुंच सकते। और सिंधु बॉर्डर पर सारे के सारे किसान विशाल हुजूम ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो जमा है। अब सवाल इस बात का है कि जब सबके लिए, सारे प्रोटेस्ट के लिए, सारी सभाओं के लिए दिल्ली ने रामलीला ग्राउंड को तय कर रखा है, जंतर मंतर को हटा करके रामलीला ग्राउंड, तो फिर रामलीला ग्राउंड पहुंचने में क्या दिक्कत है किसानों के? क्या इसलिए कि महानगर की स्थिति खराब हो जाएगी, थोड़ी बदशक्ल बन जाएगी? खैर, इस विवाद में नहीं हम पड़ेंगे। हमारा बस ये कहना है कि अगर किसानों के लिए आप समझते हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो उनकी बातों को सुनने में क्या दिक्कत है? किसानों को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर जो 3 कानून पास किए गए और अपोजिशन के, यानी जो राजनीति विपक्ष है, किसानों के सबके विरोध के बावजूद जबरन उसको देश पर लाद दिया गया, क्या एक सवाल खड़ा हो जाता है? यह नहीं खड़ा होता कि भाई उसको आपने किससे कंसल्ट करके, अगर इतने व्यापक किसान समाज से जुड़ी वो चीजें थी, उस कानून में प्रावधान थे, तो क्या किसानों की नुमाइंदगी करने वाले संगठनों से कभी कोई बात हुई? कई राज्यों में सरकारें जो हैं मौजूदा सत्तारूढ़ दल की हैं, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, क्या वहां के किसानों से भी उसने बात की? मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, और अगर नहीं की तो सिर्फ कारपोरेट से क्यों बात की? क्योंकि हम सब जानते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि जो कृषि विधेयक हैं, कृषि से जुड़े जो विधेयक हैं तीनों, इन पर जो कंसल्टेशन चाहे नीति आयोग के स्तर पर हुआ हो, भारत सरकार के स्तर पर हुआ हो, मंत्रालय के स्तर पर हुआ हो, वो सभी देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ कंसल्टेशन के बाद हुआ, यानी ये कानून उनके बाद बना। तो किसानों ने क्या ऐसा बुरा कर रखा था कि पंजाब के, हरियाणा के या दूसरी जगहों के किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई? अब किसान अपनी दो सबसे टॉप जो उनकी मांग है, उनकी सबसे जो दो सबसे बड़ी समस्या है, वो है कि एमएसपी को कानून में शामिल कर लिया जाए, कानूनी तौर पे एमएसपी को इंश्योर किया जाए, और दूसरा है कि जो एपीएमसीज हैं, यानी जो मंडियां हैं, जिनको कॉमन आम लोगों की भाषा में मंडी आप कह सकते हैं, तो ये जो मंडियां हैं इनको डिसमेंटल न किया जाए, इनको खत्म करने की साजिश न रची जाए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो मौजूदा है, जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं लोग, उन्होंने एमएसपी और एपीएमसी इन दोनों के बारे में जो बातें कही थी वो आशंका ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ कही थी, और यही वो खतरा है जिसको किसान देख रहा है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, खासकर पंजाब हरियाणा से जो आवाजें उठ रही है, कि शुरू में हो सकता है कि अगर मंडियों को धीरे धीरे कमजोर करके एमएसपी को कानूनी जो वैधता है उसको खत्म करके जो चीजें की जा रही हैं, हो सकता है कि 2-1 साल 3 साल किसानों को थोड़ा सा बेहतर
दाम मिले उनकी उपज का, कारपोरेट की जरिए या जो नए मार्केट में उतरने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं बड़े, उनके जरिए। लेकिन अंततः ये बाजार का एक अधिकार स्थापित कर देगा पूरे संपूर्ण कृषि क्षेत्र में। और जब बाजार का एक अधिकार यानी बड़े पूंजीपतियों का जब एक अधिकार स्थापित कर देगा तो किसानों की तबाही हो जाएगी। उनके इशारे पर न केवल दाम तय होंगे बल्कि उनके इशारे पर फसलों का नेचर भी तय होगा कि कौन क्या उपजाए, खेती कैसी होगी, कॉर्पोरेटाइजेशन खेती का भी होना शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, जब आप मंडियों से अनाज नहीं खरीदेंगे तो भारत का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, उनका क्या होगा, उसका क्या होगा। FCI पर भी एक बड़ा खतरा है। इस तरह से खाद्यान्न के मामले में जो भारत एक बहुत ही यूं कहा जाए आत्मनिर्भर जो देश बना ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, वो पूरी प्रक्रिया को ये जो कानून तीनों आए हैं नेस्तनाबूद कर देंगे। ये किसानों का, किसान संगठनों का ये दावा है और उनकी इस जो एनालिसिस है उनका ये जो व्याख्या है इसमें दम लगता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये पंजाब हरियाणा के किसानों का मसला है इसलिए वो इतना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी असमानता है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग समस्याएं हैं किसानों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह फसल का नेचर भी एक जैसा नहीं है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो समस्या है, जो केरल में जो समस्या किसानों की है, वो पंजाब और हरियाणा से थोड़ी जुदा हो, लेकिन ये थोड़ी जुदा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मध्य प्रदेश में जो फल और सब्जियां हैं वो कौड़ी के बोल बिक रही हैं। इतनी बुरी स्थिति किसानों की है कि बाजार में जो आदमी शहर का या कस्बे का, यहां तक कि गांव का भी, जब वो ठेले पर या बाजार में कहीं खरीदने जाता है तो जो सब्जियां उसको 40 से लेकर 50 रुपए में खरीदनी पड़ती हैं किलो, 40 और 50 रुपए किलो, मध्य प्रदेश में किसान को उसके लिए 2 रुपए से लेकर 4 रुपए किलो का वहां पर दाम मिल रहा है। लेकिन केरला में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि केरला की सरकार ने वहां पर 16 जो प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खासकर जो साग सब्जी इत्यादि फल, इनके लिए बाकायदा एक बेस प्राइस यानी बुनियादी मूल्य की जो पद्धति है केरल में तय कर दी गई है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आम तौर पे किसानों का मानना है कि अगर उनका लागत मूल्य जो है उसका 20% के आसपास या उससे ऊपर दाम तय किया जाता है तो इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश से हरियाणा, तमाम स्टेट्स में भारत के, क्या केरल का ये मॉडल कहीं भी एग्जीक्यूट किया गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर समस्या ये है कि किसानों के संगठनों से अखिल भारतीय स्तर पर, उनके नुमाइंदों से, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गंभीर रिसर्च करने वाले लोगों से, गवर्नमेंट ने कोई कंसल्टेशन किए बगैर ये कानून लाए हैं और ये इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट की मदद ली गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक स्तर पर जो सक्रिय, जो बहुत सारे रिकमेंडेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एक जमाने में कहती थी कि अगर ऊपर के लोग समृद्ध हो जाएंगे तो नीचे भी समृद्धि चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मिलकर इन लोगों ने ये एक संरचनात्मक बदलाव की कृषि क्षेत्र में कोशिश किया है जो भारत के कृषि जगत को एक गंभीर खतरा पैदा करेगी। दोस्तों, बिल्कुल आखिर में, कि अभी कोशिश ये हो रही है कि बुराड़ी मैदान में किसानों को ले जाया जाए, कल उनके जो नुमाइंदे कुछ आए किसानों के नाम पर, उनको वहां पर जो सिंधु बॉर्डर है वहां के किसानों ने काफी उनको एक तरह से उनको सरेआम कहा कि आप यहां से चले जाइए, हम बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, आप गवर्नमेंट के डिक्टेट्स पर क्यों हमारे पास निगोशिएट करने आए हैं। और उन लोगों ने VM सिंह और यहां तक कि योगेंद्र यादव को भी, दोनों को मना कर दिया कि वो बुराड़ी नहीं जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में किसी तरह से किसानों के बीच में एक विभाजन नहीं होना चाहिए, किसानों के बीच में गलतफहमियां नहीं पैदा की जानी चाहिए। किसान जो भी करें यूनानिमस करें और गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों से बिना कोई स्थिति बिगड़े उसके पहले ही कंसल्ट करें, बातचीत करें। ये सबकी भलाई में है, सिर्फ सरकार की नहीं, ये पूरे देश की भलाई में है, पूरे समाज की भलाई में है, शहर गाँव कस्बे हर की भलाई में है। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा असेसमेंट यही है और यही मैं अनुरोध भी करता हूँ सबसे, आप सबसे,
कि किसानों के मसलों को गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। वो कोई देश के शत्रु नहीं है, उनके ही श्रम से, उनकी मेहनत से हमारा आपका पेट चलता है। जय जवान जय किसान आप कहते हैं तो किसान की भी जय कीजिए। ये रात भर उनको जिस तरह परेशान किया गया, जिस तरह उन पर आंसू गैस छोड़े गए, जिस तरह लाठियां चलाई गईं और जिस तरह इस ठंड में उन पर पानी की बौछारें छेड़ी गई हैं, शर्मनाक स्थिति है, जनतंत्र की हत्या है दोस्तों। और ये तब है जब वो सिर्फ कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं या उस कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो बस इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का मैं समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।